है आपका जेके खबरनामा में, मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों ने निभा रही अंतिम मंशा फाउंडेशन संस्था की तरफ से शनिवार को ब्लाइंड स्कूल रूप नगर और भीमनगर में रहने वाले बच्चों में खाद्य सामग्री और अन्य सामान वितरित किए। इस मौके पर संस्था के प्रधान नीलम सहित संस्था के अन्य पदाधिकारी विशेष तौर पर मौजूद रहे। नमस्कार, मैं अंतिम आशा फाउंडेशन से हम लोग पुरखू से आए हैं। हमने आज निर्णय किया कि जैसे क्रिसमस पे लोग खुशियां बांट रहे हैं, तो हमारी एनजीओ ने भी एक निर्णय लिया है कि हम यहाँ पे छोटा सा खुशियों का एक स्टेप है वो लेके आए हुए हैं। मेरे साथ हमारी शिवाली मैम और यहाँ का पूरा स्टाफ है। हमने यहाँ के कुछ बच्चों को खाने का सामान वितरित किया है और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी, हम अपने घरों में तो हर एक इंसान खुशियां बांटता है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम छोटे छोटे कदम लेके बाहर भी छोटी छोटी खुशियां बांट सकते हैं। इस खाने की चीज से उनका पेट पूरी उम्र के लिए नहीं भरेगा, लेकिन जो वो दुआएं देंगे, जो खुशियां उनके मन से निकलेंगी, जो उनकी दुआएं हमें मिलेंगी, वो ही हमारे लिए बहुत बड़ा एक उपहार है। तो जो भी ये मेरे बातें सुन रहा है या देख रहा है इस वीडियो को, उन सबसे एक मेरा आग्रह है, एक निवेदन है कि आप लोग भी जहां तक हो सके इस अच्छे कार्य में अपनी एक सहमति दीजिए, सहयोग दीजिए। तो इसके साथ ही जय हिंद जय भारत। पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने शनिवार को श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज की पवित्र समाधि पर माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद 9 दिवसीय गोपाल जागो में पहुंचकर संत का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर गंगाधर शास्त्री जी महाराज द्वारा पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल जी को गीता देकर सम्मानित किया। यहां रोज अच्छे अच्छे महापुरुषों को भी प्रार्थना की जाती है कि अपनी वाणी में आप राष्ट्रहित की चर्चा करें और गौ गोपाल इन दोनों को विशेषतः बीच में रखें, क्योंकि गौ ही एक ऐसी है जिससे राष्ट्र का निर्माण भी होगा, सुंदर जवान हमारे जो हैं उनके बल का भी निर्माण गौ से ही होगा और बंधु इस धरती को भी बल मिलेगा। अगर ये धरती भी मैं कहूँ एकदम हरी भरी देखना चाहते हो तो उसके लिए भी गौ के पास ही आना पड़ेगा। नेशन हेल्थ, उसके साथ साथ नेशन हेल्थ के ह्यूमन हेल्थ, गौ माता, तो गौ माता की चर्चा भी करनी है। एक भजन सुनेंगे उसके बाद हमारे माननीय विवेक प्रोफेसर जी, है ना प्रोफेसर साहब, थोड़ा राष्ट्रहित में भी चर्चा कि तीनों प्रकार की हेल्थ गौ से जुड़ी है, ह्यूमन हेल्थ, नेशन हेल्थ एंड सॉइल हेल्थ। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर शनिवार को 2 दर्जन से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव हंसा में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी ज्वाइन की थी है, नहीं मुबारकबाद देने पहले भी अपने हूँ भी अपने कि वजह ना, चलो थोड़ा जिस तरह साढ़े लंबड़दास साहब ने दसिया कोई अगे कमी पेशी रही उसी दूर करके अज फिर अपनी जगह वापस आए ने। मैं तो कहा अभी साढ़ा सारे एक फर्ज बनता, अज मौका है कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत करना। अगर देश के हालात दिखे जान, अपने जम्मू कश्मीर के हालात दिखे जान, अज साढ़ा सारे एक फर्ज बनता है कि जिस तरह के ये हालात ने अगर अं इकट्ठे हो गए नहीं चले तो साढ़ी रियासत भी जी बिखर सकती है, नुकसान हो सकता और देश भी नुकसान हो सकता है। कि अज बाहर दाकत कि साढ़े अंदर बैठे लोग कुछ ऐसा शक्तियां ना जड़िया देश की तोड़ना चाहती हैं। क्रिसमस के पावन पर्व पर जम्मू के विश्नाह कस्बे के विनोद कुमार मिनिस्ट्रीज के तरफ से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पोस्टर विनोद ने उपस्थित संगत को संबोधित करते हुए प्रभु यीशु मसीह के प्रेम व आपसी भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम में गरीबों जरूरतमंदों के मददगार एनजीओ इंडिया ट्रस्ट की टीम चेयरमैन गारू राम ने भी शिरकत की और कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों में खाने का सामान इत्यादि वितरित किया।
देश भर की तरह आरएसपुरा क्षेत्र में भी क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आरएसपुरा कस्बे स्थित होली क्रॉस कैथोलिक चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों ने भाग लिया। आज ये क्रिसमस यानी खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। क्रिसमस यानी ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में खुदावंद यीशु मसीह आए शांति का संदेश लेकर, खुशी का संदेश लेकर और उम्मीद का संदेश लेकर। और हम भी अपने लोगों को अपने आरोपियों के देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि खुदावंद हमारे साथ हैं, हमारा ईश्वर हमारे साथ देने वाला ईश्वर है और वे हमारे साथ देंगे हमारे हर मुसीबत में, हर परेशानी में। जब हम इस महामारी से गुजर रहे हैं, ईश्वर हमारे साथ है। इस भरोसा जो है वो हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देंगे। तो हमने आज चर्च में सभी के लिए प्रार्थना की, विशेषकर जब हम इस महामारी में गुजर रहे हैं और फिर से इस महामारी का डर लोगों में बन गया आ रहा है, तो हमने प्रार्थना की हमारे देश को इस महामारी से मुक्त करें, आज़ाद करें, बचाए और हमारे सभी परिवारों को भी शांति और सुख खुदावन करें। और हमारा भी सभी के लिए ही प्रार्थना है कि हर एक को शांति प्रदान करें, हर एक को सुरक्षित रखें, हर एक को संभालें। सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। मेरा नाम नीरा, आज 25 दिसंबर है, आज जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है। तो हम आए हैं चर्च में टू हैव देयर ब्लेसिंग्स। हम होली क्रॉस चर्च में आए हैं उनकी ब्लेसिंग्स लेने। आज सारी दुनिया में मनाया जा रहा है क्रिसमस, वर्ल्ड वाइड में बहुत बड़ा दिन है। मे गॉड ब्लेस अस। भारतीय जनता पार्टी के चक्रोई मंडल इकाई की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा के मंडल प्रधान गार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को हम सुशासन के दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसका हमारे देश में प्रदेश में और आज देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में गठबंधन की सरकार चलाते हुए 6 साल के कार्यकाल में सुशासन का काम किया और इससे ज़्यादा काम किया जो 70 साल में नहीं था, जिससे उसने हर किस्म की प्लानिंग है, रोड बाइडिंग का काम था, दरियाओं को जोड़ने का काम था, कनेक्टिविटी और हर क्षेत्र में अच्छा काम किया। और पिछली सरकारों ने जो नहीं किया उसको करके दिखाया और गरीब लोगों के लिए काम किया। तो 6 साल कार्यकाल में हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। अगर एक कैबिनेट को मिलता आज उसका दिशा कठोर होती, उसके बाद 10 साल का जो कार्यकाल कांग्रेस का रहा वो रिमोट कंट्रोल का प्रधानमंत्री रहा और 10 साल में करप्शन का फिर आए दिन घोटालों का काल रहा। उसके बाद 2014 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी, जिसकी कमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने संभाली और आज 7 साल होने के बाद देश का दशा बदल के रख दी और आज देश लगता है कि हिंदुस्तान का हर दुनिया में नाम है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में एक ऊंचे कद का नेता और देश का मान सम्मानित है। आज इस दिन को हम देश के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सुशासन के तौर पर इस दिन को हम मनाते हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपने अभी तक जे की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkikhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।